5 का नाम क्या है? हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इज अ वेरी सिंपल चैप्टर. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पढ़ा यहाँ पे, पढ़ो सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन. एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है? राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन मेटलॉजी. मतलब हम सिंपल सी भाषा में अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं. किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब मेटल्स आप सबको पता है कौन से मेटल होते हैं? आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड. गोल्ड इज वन टाइप ऑफ द मेटल. ऐसे बहुत सारे मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, इन एंशियंट इंडिया हैड मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलॉजी. अब ब्रोंज स्टैच्यू, मतलब कि एक तरह का कॉपर ले लो या फिर आप ब्रोंज, एक तरह का अलग से मेटल होता है. यहाँ का एक स्टैच्यू मिला है हमें. कौन सा स्टैच्यू? तो डांसिंग गर्ल का. डांसिंग गर्ल विच वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द एंशियंट इंडस सिविलाइजेशन. मतलब सिंधु खिंड संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ के गए है ना, हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ के गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ के गए. तो यहाँ पे जो डांसिंग गर्ल है उसका स्टैच्यू में मिला है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा एक स्टैच्यू है. ये एक एग्जाम्पल है. ये पहले भी एज इट इज रहा था, इतने सालों में ये जमीन के नीचे रहने के बावजूद भी अभी तक एज इट इज ही रहा है. अ नंबर ऑफ स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशान पीरियड. विच पीरियड? कुशान. तो कुशान राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ के गए थे. इवन हमने तक्षशिला के बारे में भी पढ़ा था. तो तक्षशिला जो विद्यापीठ के बारे में हमने पढ़ा, जहां पर जो कुशान राजा होके गए, उनके टाइम में उन्होंने लॉर्ड बुद्धा का एक स्टैच्यू बनाया था. वो भी मेटल का बना हुआ था, है ना. उसकी कोई फोटो शायद मुझे मिली नहीं, तो मैंने यहाँ पे उसको डिस्कवर नहीं की. हाँ, अब ये क्या है? ये सब आपने ये सब कहीं ना कहीं इमेज है ना बचपन में देखी होगी. कहाँ देखी है ये? डांस स्कूल्स में. नटराज है, नटराज का वो कंपास बॉक्स आता था, इसके ऊपर आपने देखी होगी. नटराज की पेंसिल बॉक्स के ऊपर भी ये फोटो आता है. तो दिस इज द इमेज ऑफ नटराज. इवन हमने डांस में भी पढ़ा था कि जो डांस ऑफ गॉड है वो नटराज कहे जाते हैं. सो न्यूमेरस मेटल आइडल्स, आइडल्स मतलब मूर्तियां. साउथ इंडिया के अंदर जो चोला राजा थे वो बहुत सारी अलग अलग मूर्तियां बनाते थे, जिनमें से एक बहुत ही कीमती मूर्ति जो हमें मिली थी वो नटराज की मूर्ति थी. ये मेटल की रियल बनाई हुई मूर्ति है. आज भी ये मास्टरपीस, ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी. दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ डांस, है ना. इसको डांस का सिंबल कहा जाता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो हम पहले पढ़ के गए थे. और ये नटराज की मूर्ति आज भी तमिलनाडु में किसी एक म्यूजियम में रखी गई है. तो वहां पे आप इस मास्टरपीस को अभी भी देख सकते हो. देन द मेटल स्टैच्यू ऑफ राम, राम द आर्चर. राम जी के हाथ में एक हथियार होता है. कौन सा हथियार होता है? बाण, है ना. हाँ, तो ये मूर्ति हमें देखने को मिली है. ये भी एक मेटल जैसे बनी हुई आर्ट है, आप देख सकते हो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट. इज इट क्लियर? देन मेटल आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा के बारे में हम सबको ही जानते हैं. तो सारनाथ से लॉर्ड बुद्धा की हमें एक स्टैच्यू मिली हुई है. कॉपर आइडल, हमारे घर पे कॉपर के बर्तन होते हैं, तो कॉपर की मूर्तियां भी हमें देखने को मिली हुई है. कहां से? सुल्तानगंज. ये एक जगह का नाम है. मेटल आइडल ऑफ अ जैन डेइटीज, जितने भी जैन भक्त हैं, डेइटीज हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं किसमें बिलीव करते हैं? कौन से भगवान में बिलीव करते हैं? 24 तीर्थंकर, जिसे हम 24 तीर्थंकर या महावीर स्वामी कहते हैं. तो उनके धर्म के रिलेटेड भी बहुत सारी मूर्तियां हमें मिली है. और सिमिलरली वो मूर्तियां कहां से मिली है? आर एक्सलेंट स्पेसिमेन ऑफ अ मेटल वर्क ड्यूरिंग अ विच पीरियड? गुप्ता पीरियड. देख सकते हो द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, है ना. ये सारनाथ में डिस्कवर हुई थी, ऐसा आप मान के चल सकते हो. इज इट क्लियर? दिस इज जस्ट द इमेजिनरी फोटोज जो मुझे गूगल से मिली, मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने. इज इट क्लियर? देन आर्टिस्टिक मेटल स्टैच्यू ऑफ गॉड एंड गॉडेस. हमारे घर पे देवी देवताओं की मूर्ति होती है, माँ जगदम्बे की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति. इवन हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वहां पे भी मूर्तियां होती है, जो कहीं कहीं कुछ लकड़ी की बनी हुई होती है, कुछ मिट्टी की बनी हुई होती है, कुछ पत्थर से बनी हुई होती है और कुछ मार्बल से बनी हुई थी. लेकिन जो पुराने जमाने में सबसे अच्छी मूर्तियां बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी? मेटल से बनाई जाती थी. देन फिगरिंग ऑफ अ बर्ड्स एंड एनिमल्स. मेटल लैम्प, दिए, है ना. पहले मेटल के लैम्प्स आते थे, घर के बाहर लटका के रखते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लालटेन. बचपन में देखी होगी, वो भी मेटल की बनी हुई होती थी. इवन मेटल लैम्प्स. देन बैटल नट क्रकर, क्रैकर. बैटल नट क्रैकर का मतलब क्या था? आपने सोपारी देखी है, जो गोल वाली सोपारी आती है, उसको कट करने के लिए वो बैटल नट उसे नट कटर कहते हैं. और गुजराती में और हिंदी में शायद इसको सूढ़ी कहते हैं. देखिए, यूं करके यूं कट करते हैं, बहुत बड़ी सी होती है. आप गूगल कर सकते हो बैटल नट क्रैकर,
ये एक्चुअली में आपने देखा है ना, उससे भी बहुत अलग अलग तरह के बैटल नेट क्रैकर अहमदाबाद के म्यूजियम्स में अवेलेबल है। यस, ये बैटल नेट क्रैकर हाथ में रख सकते हो, इतने छोटे छोटे भी आते थे, क्योंकि अभी के टाइम में लोग तम्बाकू ज्यादा खाते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग सुपारी खाते थे, कट करके कच्ची सुपारी खाते थे। तो वो उतनी छोटी सी जो बैटल नट क्रैकर आती थी उसको पॉकेट में लेकर घूमते थे, उसकी कीमत बहुत महंगी होती थी उस टाइम के अंदर। तो ये एक मेटल है जो कहीं ना कहीं अपने आप में रिप्रेजेंट करता है इंडिया की मेटलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ो सब लोग। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिकल्स। अब केमिकल्स के बारे में अगर हम देखें, सबसे बेसिक एक लिक्विड जिसकी हमें सबसे ज्यादा रोज जरूरत होती है, वाटर। उसमें भी केमिकल्स हैं, हाँ ना कहीं एक केमिकल एलिमेंट्स मान के लेके चल सकते हो, है ना। ऐसे आप देखो आपके आसपास में कितनी सारी केमिकल प्रोसेस रोज होती है। प्लांट के अंदर केमिकल प्रोसेस होती है कि नहीं होती है? होती है ना, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ के गए थे। तो हर एक जगह आपके आसपास में और छोटी की छोटी जगह आप देखोगे, वहां पे आपको केमिस्ट्री कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको दिखेगा। तो इंडिया में केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। देखो, द प्रोग्रेस मेड इन एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री आर एज फॉलो। सबसे पहले हम पढ़ के गए नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री की पूरी स्कूल थी। क्या थी? स्कूल। तो याद रखना कौन सी यूनिवर्सिटी, जहां पे उसको स्कूल ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जहां पे आप स्टडी भी कर सकते हो और केमिस्ट्री के बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। कौन थे वहां के गुरु जो केमिस्ट्री के किंग माने जाते थे? आज भी इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। नागार्जुन वॉज द आचार्य ऑफ केमिस्ट्री इन एट दिस यूनिवर्सिटी। हाँ, तो देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टैच्यू मैंने लगाया हुआ है। नागार्जुन हैज रिटन अ रस रत्नाकर। नागार्जुन ने जो बुक लिखी थी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, एग्जाम में मल्टीपल टाइम आ सकता है, जिसका नाम है रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। ये दो मोस्ट एमपी क्वेश्चन, इसको याद रखना। तो रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी आर द टू इंपॉर्टेंट बुक विच रिटन बाय द नागार्जुन। ही हैड एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी पता है ना, हर्बल प्लांट्स और जितने भी छोटे बड़े प्लांट्स है उसका यूज करके दवाइयां बनाना, औषधियां हम लोग कहते हैं। जैसे सर्दी होती है तो मम्मी आपको कभी कभी है ना काढ़ा पिलाती है ना, या मम्मी कहती है तुलसी के पत्ते खा लो, तो वो एक तरह का एलोपैथिक दवाई हुई या हर्बल मेडिसिन आप कह सकते हो उसको। तो हर्बल मेडिसिन के बारे में इन्होंने बताया था। ही हैड द पायनियर ऑफ द यूज ऑफ मर्क्यूरी एसेस एज अ मेडिसिन। मर्क्यूरी पता है ना, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है, तो मर्क्यूरी को जलाने के बाद उसकी जो राख राख पता है ना, ऐश, उसको एज अ दवा यूज किया जाता है, एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। ऐसा किसने बताया था? नागार्जुन। द कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट मैंने एग्जाम्पल दिया है कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। देन डिस्कवर्ड एट द सुल्तानगंज, ये कहां से मिला हुआ है हमें? ये कॉपर का स्टैच्यू है, लेकिन देखने से आपको लगेगा कि ये गोल्ड का, गोल्ड बना हुआ है, लेकिन ये कॉपर का बना हुआ है। कितना प्योर कॉपर है, अभी भी एज इट इज है, सोचो। और अभी हमारे घर पे कॉपर के बर्तन देखो, 4 महीने खुले पड़े होते हैं, काले हो जाते हैं, मम्मी नींबू लगा के उसको धोती है ना। एंड द वन एट द सारनाथ रिफ्लेक्ट द एक्सपर्टीज इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक्सपर्टीज आप मान सकते हो। देखो, ये दो अलग अलग स्टैचूज है ना, ये एक तो ये जो स्टैचू है ना, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ये जो मूर्ति है ये तकरीबन 18 फीट की मूर्ति है, और ये तकरीबन 1000 किलो की मूर्ति है। इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री, अभी हम आगे पढ़ेंगे। 1000 kg एंड 18 फीट, नियर बाई 18 फीट, इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, देखो पहले पढ़ते हैं द आयरन पिलर। हाँ, आयरन पिलर भी एक एग्जाम्पल है। देखो, ये आयरन पिलर है, इज द आयरन पिलर, जिसे हम विजय स्तंभ भी कहते हैं, जो एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द विजय स्तंभ, जिसको आप आयरन पिलर भी कह सकते हो। द आयरन पिलर एंड विजय स्तंभ बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता टू हैज नॉट कॉरोडेड आफ्टर मेनी ईयर्स। कॉरोडेड मतलब अभी तक टूटा नहीं है, है ना, बिखरा नहीं है, एज इट इज रहा है। After the is the best example of alchemy, है ना, हाँ alchemy कह सकते हो। तो ये एक example रहा है विजय स्तंभ, ना अभी तक इसको रस लगा है, ना अभी तक कोई काट लगा हुआ है, ना अभी तक इसका इसके ऊपर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन या इफेक्ट भी अभी तक हमें देखने को, ये पहले भी एज इट इज था और एज इट इज। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है।